नमस्ते बच्चों, आज हम अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व काव्यांश को 2-3 बार पढ़ना बहुत आवश्यक है। काव्यांश पढ़कर उसके मूल भाव को ग्रहण करें तथा उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। उत्तर लिखते समय ये सावधानी बरतें कि जो प्रश्न पूछा गया है मात्र उसी का उत्तर लिखना जाए, व्यर्थ ही उत्तर का विस्तार नहीं करना चाहिए। उदाहरण, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनिए। देखो, कोयल काली है पर इसकी मीठी है बोली, इसने ही तो कुकू कुकू करकर आमों में है मिश्री घोली। कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती है सब चिड़ियों की रानी। प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। चिड़िया, कोयल, मैना, मोरनी। कोयल, उत्तर है कोयल। कोयल की बोली कैसी है, मीठी। कोयल कुकू कूकर किसमें मिश्री को बोलती है, आमों में। कोयल को मीठा बोलना किसे सिखाया है, माँ ने। कोयल क्या कहलाती है, चिड़िया की रानी। बच्चों, ये उदाहरण मत लिखना, ये निम्नलिखित काव्यांश का पढ़कर दिए गए है ना, वो लिख के ये लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्न लिख के उत्तर लिख लीजिए अपने कॉम्पोजिशन नोट में। धन्यवाद।